ये कहानी 30 साल के अजय के एक सच्ची घटना पर आधारित है। अजय एक ऑफिस में काम करता था। अजय की नई नई शादी हुई थी। वे रोज की तरह ऑफिस से काम करके अपने घर की ओर लौट रहा था, लेकिन उस दिन उसका बाइक आधे रास्ते में ही खराब हो जाता है। उस दिन उसका जन्मदिन था, तो वो थोड़े जल्दी घर जाना चाहते थे, मगर उनकी बदकिस्मती के कारण उनका बाइक खराब हो जाता है। तो वे बस से जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि बस का आने का भी समय हो गया था। तो वह पैदल ही बस स्टैंड तक जाने लगता है कि तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अजय खुद को भीगने से बचाने के लिए भागता हुआ बस स्टैंड तक पहुंच जाता है और बस का इंतजार करने लगता है कि तभी एक आदमी छतरी लेकर के उनके पास आते हैं और वहां आकर खड़ा हो जाता है। वह व्यक्ति दिखने में काफी सुंदर और मजबूत लग रहा था। तभी वह व्यक्ति अजय को बोलता है कि ये दुनिया भी कितनी अजीब है। कहीं पर बारिश है तो कहीं पर सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। अजय को उनकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन अजय ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर को हिला दिया। लेकिन थोड़े ही देर बाद जब अजय उस व्यक्ति के पैर की ओर देखता है तो वह चकित हो जाता है। वह देखते हैं कि उस व्यक्ति के पैर ही नहीं है, मानो वे हवा में उड़ रहे हैं। अजय के यह देखते ही उनके चेहरे का होलिया पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वह एकदम चुपचाप रहना ही ठीक समझा। फिर जैसे ही उसने अपने नजर को घुमाया तो वे देखते हैं कि बस स्टैंड में कोई भी नहीं है। पूरा बस स्टैंड एकदम सुनसान और सन्नाटा है। वहां पर अजय और उस आदमी के अलावा कोई भी नहीं है। अजय का हालत और भी ज्यादा खराब होने लगता है। अजय अपनी पत्नी राखी को कॉल करना चाहा कि तभी पीछे से आवाज आता है कि तुम्हारी पत्नी को यहाँ पर बुलाना अच्छा नहीं होगा अजय। ये सुनते ही अजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वहां से भागने लग जाता है। भागते भागते अजय काफी ज्यादा थक गया था, लेकिन फिर भी वह भागता जाता है और आखिरकार एक बेंच पर बैठते हैं और अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। तभी वह आदमी फिर से उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है, जिसे देख करके वे रोड की तरफ भागने लगता है और बार बार पीछे मुड़कर देखने लगता है। तभी वह व्यक्ति अचानक से उनके सामने खड़ा हो जाता है और एक खूंखार दानव का रूप ले लेता है, जिसे देख करके अजय वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उनकी पत्नी रेखा अजय को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्योंकि अजय को काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। थोड़ी देर बाद अजय को जब होश आया तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था तेरे साथ, तुझे इतना चोट कैसे लगा। तो अजय उनको पूरी बात बताते हैं कि उनके साथ उस रात क्या क्या हुआ था। तभी एक आदमी उनके पास आते हैं और उनको उस बस स्टैंड के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि करीबन 10 साल पहले इस बस स्टैंड में बरसात के समय एक हादसा हुआ था, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक हर साल बरसात के महीने में एक आदमी ऐसे ही उस दानव का शिकार होता है। लोगों का कहना है कि जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलता है, वह ऐसे ही लोगों की जान लेता रहेगा। लोग कहते हैं कि कभी कभी वह दानव बस के आगे खड़ा हो जाता है उसे रोकने के लिए। रेखा और अजय उस आदमी के बात को सुनकर अस्पताल से अपने घर चले जाते हैं। अजय और राखी घर पहुंचने के बाद उन दोनों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उस व्यक्ति की बात मानो उन दोनों के मन में रच बस गई हो। उसके बाद अजय राखी को बोलते हैं कि राखी, मुझे लगता है कि हम दोनों को उस बस स्टैंड में जाना चाहिए और वहां जाकर के उस जगह के बारे में पता लगाना चाहिए कि यह दानव लोगों की जान आखिर क्यों ले रहा, आखिर उसके साथ क्या हुआ था। राखी अजय के बात को मान जाता है और वे दोनों निर्णय लेते हैं कि रात के 12 बजे के बाद हम दोनों वहां जाएंगे और उस जगह के बारे में पता लगाएंगे कि आखिर उस बस स्टैंड में हुआ क्या था। दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात के 12 बजकर पार होता है, वह दोनों उस बस स्टैंड की तरफ निकल जाते हैं। चलते चलते वे उस बस स्टैंड तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे दोनों इधर उधर देखते हैं, मगर उनको कुछ भी नजर नहीं आता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्हें अजीबोगरीब आवाज आने लगते हैं और देखते ही देखते वह दानव उड़ते हुए उन दोनों के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर वे दोनों पहले भयभीत हो जाते हैं, मगर फिर भी हिम्मत करके वहीं पर खड़े रहते हैं।